हेलो एवरीवन यू मे बी प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट एग्जाम और सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी एक ऐसा टॉपिक जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आती है कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में वो है डिफेंस एक्सरसाइज या फिर मिलिट्री एक्सरसाइज जी हाँ तो ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपैक्टफुल सेशन है जिसमें मैं पूरी मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको बहुत अच्छे तरीके से यूजिंग इंटरक्टिव मैप्स करवाने वाला हूँ तो अगर आप एक्साइटेड हैं तो फटाफट से इसको शेयर जरूर कर दें और एंड तक जरूर बने रहें बिकॉज ट्रस्ट मी दिस इज अशन विच पहले बात करते हैं इंडिया और उसके नेबरहुड की इंडिया नेबरिंग कंट्री के साथ कौन सी बायोलैक्ट्रिकल एक्सरसाइजेस करता है इंडिया सबसे पहले बात करते हैं चाइना की जिसके साथ वी हैव एक्सरसाइज हैंड इन हैंड आप मैप पे बहुत ध्यान से देखिए बिकॉज दैट्स बेस्ट वे टू रिकॉल ऑल ऑफ दैट वेज Then comes our friend Nepal, जिसके साथ हम लोग करते हैं एक्सरसाइज सूर्य किरण बांग्लादेश जिसके साथ एक्सरसाइज संप्रीति भी करते हैं और एक्सरसाइज बॉन्गोसागर बॉन्गोसागर बेसिकली नेवल एक्सरसाइज है एज यू कैन सी उसके नाम में सागर आ रहा है संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज ट्वेंटी ट्वेंटी वन में हुई थी शांतिर ओग्रोसेना बट दैट वॉज लाइक फिफ्टी ईयर्स ऑफ बांग्लादेशी लिबरेशन उसके लिए वो किया गया था बांग्लादेश के द्वारा होस्ट नेक्स्ट कम्स श्रीलंका जिसके साथ होती है एक्सरसाइज मित्र शक्ति मूविंग हेड वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल 몰디व्स जिसके साथ एक्सरसाइज इक्वेरिन को कंडक्ट किया जाता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव गॉट म्यांमार विद एक्सरसाइज इम्बेक्स जी हां एक्सरसाइज इम्बेक्स इज विद म्यांमार एंड एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही फ्रेंडली मुल्क है सेशल जिसके साथ हम लोग करते हैं एक्सरसाइज लमिटेड तो ये तो मैंने अभी आपको इंडिया और उसकी नेबरहुड की यहां पे बात की आई होप यू आर वेरी मच क्लियर ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट नाउ मूविंग अहेड अब एक्सटेंडेड नेबरहुड की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की जिनको आप आसियान मुल्क या फिर आसियन कंट्रीज भी बोलते हो वन बाय वन यहां पर देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर की सिंगापुर के साथ वी हैव एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र जी हाँ बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की जाती है मूविंग अहेड थाईलैंड के साथ हम लोग करते हैं एक्सरसाइज मैत्री सो यहां पे यू कैन सी ऑन द मैप एक्सरसाइज मैत्री इज विद थाईलैंड नेक्स्ट कम्स मलेशिया मलेशिया के साथ एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति की जाती है बहुत ध्यान से देखेगा हरिमाऊ शक्ति शक्ति गरुड़ शक्ति इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज सो मलेशिया के साथ वी आर हैविंग दिस एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति देन कम्स इंडोनेशिया जिसके साथ गरुड़ शक्ति की जाती है तो गरुड़ से ही आप याद रखेगा इंडोनेशिया हैज टू बी द राइट आंसर फाइनली विद वियतनाम ये बहुत आसान है विन बैक्स इज विद वियतनाम ऑलराइट सो यहां पे हमने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं

उेकिस्तान के साथ हम लोग एक्सरसाइज दस कर रहे हैं फर्स्ट एडिशन सेकेंड एडिशन अभी थर्ड एडिशन भी हुआ बट इन केस इट्स क्वेश्चन यू शुड नो इट इज एक्सरसाइज खंजर बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इट इज किर्गिस्तान अब सेंट्रेशन कंट्री तो नहीं लेकिन चाइना और रशिया के बीच में कंट्री है हमारी मंगोलिया सो so, मंगोलिया के साथ यूजिंग मैप जिससे कि आप इसको आराम से रिकॉल कर सकते हैं आप इसको याद रख सकते हैं टेक अ स्क्रीन इफ यू वॉन्ट नाउ लेट मी टेक यू टू वेस्ट एशिया या फिर मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट में सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा एक्सरसाइज अलबार मैं एक चीज यहां पे बता दूं इट्स अ नेवल एक्सरसाइज नेवी करती है इंडिया की कतार की नेवी के साथ तो इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है यहां लिखो कतार और यहां लिखो ज़ायर तो जायर कतार ऐसे इसको याद रखिए क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं नसीम अलबार और जाायर अलबार के साथ तो ये भी नेवल एक्सरसाइज ही है एंड यहां पे वी कंडक्टेड विद ओमान तो ओमान और इंडिया नसीम अलबार करते हैं और कतार और इंडिया जाायर अलबार करते हैं मूविंग अहेड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो कि अगेन इंडिया रोमान ही करते हैं बट यहां पे इंडियन एयर फोर्स इज मूविंग अहेड यूएई यूनाइटेड अरब एयरत के साथ इंडिया कंडक्ट करता है एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल जिसमें अगेन इंडियन एयर फोर्स विल बी पार्टिसिपेटिंग आई होप दैट हेल्प्स दैट्स वेरी मच क्लियर टू यू गाइस मूविंग अहेड नाउ मैं बात करना चाहूंगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज हैं जो हम लोग करते हैं जैसे रशिया के साथ इंडिया कंडक्ट करता है एक्सरसाइज सो आई जस्ट राइट इंडिया और रशिया एक्सरसाइज इंदिरा कंडक्ट करते हैं और ये क्या है ट्राई सर्विसेज मतलब इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स सबको इसमें पार्टिसिपेट करता है सिमिलरली एक्साइज कोंकण शक्ति इज ऑल्सो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज विच इंडिया कंडक्ट विद यूके ब्रिटेन एंड एक्साइज टाइगर प्राइम ट्राइसिस एक्सरसाइज जो कि इंडिया और यूनाइटेड कि यूएसए के बीच में होती है these, example, हम लोग युद्ध अभ्यास भी करते हैं जो कि इंडिया यूएसए के साथ है। हम लोग वज्रप्रहार भी करते हैं अब वज्रप्रहार स्पेशल क्यों है क्योंकि यहां पे स्पेशल फोर्सेज जो है वो इन्वॉल्व रहती है तो यह ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है सो so, याद रखिएगा वज्रप्रहार स्पेशल वाई बिकॉज स्पेशल फोर्सिसमें इन्वॉल्व है और अफकोर्स इंडिया यूएस की ही है एक्सेज इंद्र धनुष जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स रॉयल एयरफोर्स के साथ पार्ट लेगी दैट इज़ विद इंडियन यूके के अजय वॉरियर जो मिलिट्री एक्सरसाइज है बेसिकली आर्मी इसमें इन्वॉल्व रहती है दैट इज अगेन विद यूके और एक्सेज कोबरा वॉरियर जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने अभी रिसेंटली पार्ट तो नहीं लिया बट इसको होस्ट करता है यूके स so बस इतना याद रखेगा कोबरा वॉरियर के अंदर वी हैव मोर देन वन कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग जिसको यूके होस्ट यहां पे कर रहा है कम्स फ्रांस वी हैव गॉट वरुणा विच इज अवल एक्सरसाइज जो कि इंडिया और फ्रांस करते हैं इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी एंड गॉट एक्से इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी मिलिट्री एक्सरसाइज है तो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूं कि कौन सी बायोलेटरल मिलिट्री है कौन सी एयरफोर्स जिसपे इन्वॉल्व है कौन सी आर्मी की है कौन सी ट्राई सर्विस है मैं फिर से आपको हाईलाइट करके बता दू बेटे ट्राई सर्विस एक्सरसाइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोंट फरगेट दैट इंद्रा रशिया के साथ होती है इंडिया की कौन शक्ति यूके के साथ होती है और टाइगर तो मैंने ग्रीन हाँ वेरी वेरी बताई लेकिन कुछ एक्सरसाइज जैसे मिलान 2022 ट्वेंटी टू तो मिलान 2022 में आपको बस ये पता होना चाहिए पहले तो हमारी थीम क्या रही कमराडरी क्वेश्चन कोलैबोरेशन ये आप कह सकते हो कि आज तक का लार्जेस्ट एडिशन था क्योंकि 1995 में हमने स्टार्ट तो की थी मिलन उस समय इंडोनेशिया थी सिंगापुर श्रीलंका थाईलैंड और इंडिया लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी बात क्या है जो इस बार मिलन हुई उसके अंदर 40 प्लस कंट्रीज पार्टिसिपेटेड सो ये बहुत बड़ी चीज है इंडिया ने इसको होस्ट किया यू शुड बी नोइंग इन आउट अबाउट इट कहां पर कंडक्ट हुई है कब कंडक्ट हुई है स्टार्ट कब हुई थी यू कैन हैव डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दैट बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में मैंने बात की अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बताना चाहूंगा जो मुझे लगता है एग्जाम में आ सकती है जैसे नेटो की 2021 में हुई थी मिलिट्री एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं डिफेंडर यूरोप 21 वन ये कहां हुई थी अल्बानिया एफकेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्बानिया की आपको कैपिटल पता हो तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि अल्बानिया की कैपिटल कौन सी है जहां पर डिफेंडर यूरोप ट्वेंटी एक्सरसाइज हुई थी नेटो की और इस साल नॉर्वे के अंदर कोल्ड रिस्पॉन्स ट्वेंटी एक्सरसाइज किया गया

डाउनलोड आर बायजूज एग्जाम जिसके अंदर आपको बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता है आपको एग्जाम के लिए वो तैयार करता है और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना आई एम श्योर दैट यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यग्जाम इस सेशन को एग्जाम से पहले कम से कम दो तीन बार जरूर देखना ट्रस्ट मी इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल थैंक यू